सन्यासी कह सकता कि मैं तो अपने मैं तो कर्म कर ही रहा हूँ, अर्थात कर रहा तो कहता कि सब कर्म ईश्वर के हैं। जब आश्रम में रहते हैं तो वो भी कह सकते हैं कि माना कि हम तो कर्म आश्रम के लिए कर रहे हैं। लेकिन जो गृहस्थ जीवन में है अधिकांश लोग जो वो हैं, अब वो उनको एक भ्रम रह जाता है कि ये तो मार्ग हमारे लिए है ही नहीं, अर्थात कर्म संन्यास योग है, अर्थात कर्म को त्यागना ये तो हमारे लिए है ही नहीं, हम तो अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने ऑफिस के लिए कर रहे हैं, या व्यापार है तो लोगों के लिए कर रहे हैं, इसमें कैसे संभव है कि अपने कर्मों को हम कर्मयोग में बदल दें। इसको आपको जरा गहराई से समझना होगा, चाहे आश्रम में है, चाहे सन्यासी है, चाहे गृहस्थ है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म के तो रह नहीं सकता है, और कर्म भी आपके तीन प्रकार से होते हैं, एक शरीर से होते हैं भौतिक शरीर, दूसरा वाणी से होते हैं, तीसरा मानसिक होते हैं। मानसिक कर्म में ज्यादा प्रभाव पड़ता है, अगर शरीर से कोई आप कर्म कर रहे हैं तो बाहरी रूप से उसका प्रभाव उतना नहीं होगा जितना उसका उसमें मानसिकता क्या है, वो मानसिकता को अगर आप उसमें लगा देते हैं, मतलब पॉजिटिव मानसिकता, तो अब आप मानसिक रूप से जो कर्म कर रहे हैं उसका जवाब ज्यादा प्रभाव पड़ता है। पहले तो आपको कर्म क्या है इसको जानना पड़ेगा, अतः मनसा वाचा कर्मणा, जो भी व्यक्ति कार्य करता है कर्म करता है उसको उसका एक बीज आपके अचेतन मन में संस्कार के रूप में इकट्ठा हो गया है, हो जाता है, जिसे संचित कर्म कहते हैं। संचित कर्म में से फिर कुछ भाग आपको प्रारब्ध कर्म का मिलता है, और वो प्रारब्ध कर्म आपके दैनिक जीवन में निरंतर आगे को, जैसे बचपने के कर्म है तो बचपने में, युवावस्था के तो युवावस्था में, वृद्धावस्था के कर्म है तो वृद्धावस्था में कर्म, वो अपने आप उसके आगे को फलित होते रहते हैं, और उन कर्मों से वो फिर आगामी कर्म का निर्माण करता है। अब आपको ध्यान आपको आगामी कर्म पर रखना है, कर्म जो भी किया है जो प्रारब्ध कर्म है उसमें अब हम क्या अपनी मानसिकता को रखें, तो अब कर्म के लिए क्या है कि एक स्वधर्म हो गया, एक पराधर्म हो गया। पराधर्म का तात्पर्य होता है जहां पर अब उसका राजसी अहंकार या तामसी अहंकार मिल कर करके उसके मन में बेचैनी उत्पन्न कर देता है, मतलब कर्म करने में उसे उतना उसका ध्यान नहीं रहता जितना कि उसको कर्म फल की इच्छा होती है। जिस कर्म से उसको अगर कोई भौतिकता प्राप्त होती है तो उस कर्म को करने के लिए तो वो लगन में रहता है, और माना बीच में ही अगर उससे पता चला कि इस कर्म का मुझे किसी भी तरीके से कोई बाहरी लाभ नहीं होने वाला तो कर्म को बीच में छोड़ देगा, और कर्म कैसे जल्दी समाप्त हो जाए, कैसे मुझे इसका फल प्राप्त हो जाए, उसमें भी वो रहता है। तो यहां पर उसका ईगो ज्यादा दूषित होने लग जाता है, वो अपने मन में अशुभ संस्कारों को इकट्ठा करता है। और दूसरी ओर है स्वधर्म। स्वधर्म का मतलब ये हुआ कि जो शुभ कर्म है उन शुभ कर्मों को करने के अनुसार अब उसके मन में एक आशा तो रहती है, सकाम कर्म होता है कि मुझे इससे भौतिक उन्नति प्राप्त होनी चाहिए, मेरी जो सांसारिक कामना है वो प्राप्त होनी चाहिए, और नहीं तो मैं इस कर्म को नहीं करूँगा। लेकिन जो पराधर्म कर रहा है, पराधर्म वाला अशुभ कर्म में भी संलग्न हो जाता है, ये ध्यान रखना है आपको, जैसे हिंसा में, निंदा में, जो आसुरी गुण है उसमें भी संलग्न हो जाता है। लेकिन जो स्वधर्म वाला है वो इनमें संलग्न नहीं हो करके शुभ कर्म को करता है, लेकिन वो अपने जो उसकी एक आसक्ति है कर्मफल पर वो बनी रहती है, इससे भी उसके मन में दबाव रहता है, चिंता भी रहती है।
उतनी नहीं रहती जितनी पराधर्म में होती है। अब एक तो हो गया सकाम कर्म, और वही स्वधर्म को फिर धीरे धीरे जैसे चित्त शुद्धि होती जाएगी, चित्त शुद्धि होती जैसे जाती है, तो उसी के अनुसार में अपने मन में एक धारणा ये बनती है कि मेरा कर्तव्य कर्म केवल कर्म करने तक है, और इसकी जो आशा है या फल है उस फल पर मैं ज़्यादा अपना ध्यान नहीं रखूं। जब ऐसा होता है तो उसको कर्म करने में उसकी योग्यता बढ़ जाती है और उसके मन में एक शांति बढ़ती है, धैर्य बढ़ता है, और उसका वो जो कर्म है वो सेवा कार्य बन जाता है। ये तो आपका कर्म हो गया। अब इस कर्म में आपने विकर्म को मिलाना है। विकर्म का तात्पर्य है, विकर्म आपके शरीर से जो कर्म बनेंगे, वाणी से जो बनेंगे, वाणी से भी विकर्म बन जाते हैं, लेकिन मानसिक कर्म ही विकर्म का रूप धारण करते हैं। विकर्म का तात्पर्य हो गया, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कर्म प्लस विकर्म इज इक्वल टू अकर्म, मतलब कर्म में आप विकर्म मिला दो तो आप कर्म नहीं कर रहे हैं, घोर कर्म करते हुए भी। वही अर्जुन से कहा, अर्जुन ने पूछा ना कि आप मुझे क्यों घोर कर्म में लगा रहे हैं, तो अर्जुन को जो विधि बताई 18 अध्याय में वही बताई। अब अर्जुन घोर कर्म करते हुए भी अर्जुन ने कर्म नहीं किए, मतलब मानसिक कर्म नहीं किए उसने, उसके कर्म विकर्म बने, विकर्म हो गए थे। विकर्म का तात्पर्य है कि विकर्म में आप भक्ति मार्ग को अपनाते हैं तो आपके चित्त की शुद्धि होती है, हृदय शुद्ध होता है, क्योंकि भक्ति का तात्पर्य भावनाओं से है, भावना का तात्पर्य हृदय से है, आपका हृदय निर्मल होने लग जाता है, मन में शांति बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे ही आपके अशुभ कर्म निकलेंगे तो शांति भीतर तो है, क्षमा भीतर तो है, आत्मस्वरूप तो है, वो धैर्य बढ़ जाता है, सहनशीलता बढ़ जाती है, और अनेक प्रकार के सद्गुण आपके बढ़ने लग जाते हैं। ध्यान मार्ग से आपके जो भी कर्म हैं, अगर आप ध्यान का अभ्यास करते हैं, ध्यान मार्ग से आपके कर्म करने की एकाग्रता बढ़ जाती है। अगर वो स्टूडेंट है उसकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ जाती है, अगर आप कहीं और कोई भी आपका कार्य है उस कर्म में आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है और उसमें आपकी एफिशिएंसी योग्यता बढ़ जाती है उस कर्म करने में, क्योंकि आपको उससे थकान नहीं लगती है। अब मानसिक रूप से आप कर्म नहीं कर रहे हैं, उसमें विकर्म मिला रहे हैं। ज्ञान मार्ग से क्या होगा कि ज्ञान में आपको अनुभव रहता है कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं, मेरा अहंकार उसका एक बिंब है। आपका ईगो जो है वो, जो अगर वो राजसी था वो सात्विक में बदलने लग जाता है, ईगो विलीन होने लग जाता है, अहंकार विलीन होने लग जाता है, अहंकार विलीन होने लग जाता है, तो फिर आपको शरीर का भान नहीं रहता है कि मैंने कर्म किया या नहीं किया है। एफिशिएंसी तो बढ़ती है और गुण भी बढ़ते हैं, लेकिन ये भान नहीं रहता कि क्या मैंने कर्म किया या नहीं किया, इससे सहनशीलता बढ़ जाती है। यदि अगर आप जो कार्य को करते हैं इसके बाद में अगर वो उसमें बड़ी निपुणता से लगनता से करते हैं, उसका जो रिजल्ट निकलता है वो बहुत अधिक निकलता है, तो लोग आपसे कहते हैं कि आपने इतना महान कर्म किया, कैसे कर दिया, आपका क्या उत्तर होता है भीतर ही भीतर कर कोई और रहा है और श्रेय मेरे को दे रहे हैं, आपका सर एक विनम्रता से झुक जाता है। जैसे राजसी गुण में जैसे कुंभकर्ण हो गया ना, जैसे कहा कि आप क्या, आपने बड़ा अच्छा काम किया, तुम कौन होते हो कहने वाले मुझसे, तुमसे कहा था मैंने बोलने के लिए, ये आपका पराधर्म वाला हो गया। सधर्म में जो सकाम कर्म हो गया रावण की तरीके से, हाँ तो ठीक तो है मैंने किया ये, और जब आप उसमें विकर्म मिला देते हैं विभीषण के समान में, कहा कि आपने बड़ा सुंदर किया, तो विभीषण के समान सर झुक जाता है कि ये तो राम जी की कृपा है। अन्य विकर्म जो है वो क्या है, जैसे श्रद्धा भगवान में, इंद्रिय संयम हो गया, अर्थात इंद्रियों का संयम करना, कंट्रोल ऑफ माइंड एंड सेंसेस, सहनशीलता हो गई, जप हो गया, सत्संग हो गया, सत्संग तो ये सब आपको सत्संग ही उस मार्ग को ले जाएगा, और
विकर्म से क्या होता है, विकर्म अगर आप अपने कर्म में मिला देते हैं, विकर्म से आपके अंदर की जो जो टैलेंट है, मतलब जो आपकी योग्यता है ना, सब बाहर निकल आती है। क्योंकि अशुभ कर्म करने से जो जो योग्यता है वो एक प्रकार से अशुभ कर्म से ढक जाता है, ढक जाता है, तो विकर्म से वो सब का सब बाहर निकलता है। तो अब आप अपने ईश्वर के हाथों में एक उपकरण मात्र बन जाते हैं। जो भी आप कार्य करते हैं तो आपको ऐसा भान होता है कि ये केवल मैं ईश्वर के हाथों में उपकरण हूँ, और जो भी मेरे माध्यम से अर्थात ये शरीर से, मन से, वाणी से, इंद्रियों से जो भी अब कर्म हो रहे हैं, केवल मेरे भीतर बैठा हुआ ईश्वर उनको करा रहा है। जब ये भावना को आप लगाते हैं तो क्योंकि सब ईश्वर करवा रहा है तो आपका विकर्म हो गया, विकर्म का तात्पर्य हो गया, अब आपको उससे वो कर्म नहीं बनेंगे जो कर्म आपको अगले जन्म की ओर ले जा रहे हैं, बल्कि वो कर्म बनते हैं कि जो आपके चित्त शुद्धि करते हैं। और अंत में ज्ञान की अग्नि से जो अशुभ कर्म तो बहुत ज़्यादा समाप्त हो जाते हैं, ज्ञान की अग्नि से समस्त कर्म भस्म हो जाते हैं। जैसे कि अगर भार ले गए ना, अगर भार है तो चाहे कीचड़ का भार हो, चाहे पुष्प का भार हो, भार तो भारी है, तो ज्ञान की अग्नि में ऐसे अंत में सभी जो कर्मों का भार है वो समाप्त भस्म हो जाता है और जीवन व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। तो इसलिए आप कहीं भी बैठे हुए हों तो जैसे कि प्रातःकाल का समय है, आप अपने विकर्म को मिला लीजिए। अब चाहे आप ऑफिस जाते समय जूते भी पहन रहे हैं, तो मैं तो पूजा करने जा रहा हूँ ऑफिस में, अर्थात में कार्य है, पूजा है, तो जूते पहन के नहीं, आपने क्या किया, अपने जूता जैसे कांटे बिछे होते हैं तो क्या करते हैं आप, जूता पहन लेते हो ना। इसी तरह से आप सोच लो कि रास्ते में जितने भी मार्ग में कांटे मिलेंगे, अर्थात जो दुष्प्रभाव मिलेगा, जैसे मेरे पैरों को कांटे नहीं चुभेंगे, इसी तरीके से मैंने कवच पहन लिया है। आपका कोई भी कर्म अब पराधर्म नहीं बनता है, सकाम कर्म नहीं बनता है, लेकिन ये जो स्थिति है धीरे धीरे आएगी। इसके लिए आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, कर्म में विकर्म को मिलाना पड़ेगा नित्य प्रति। और वो विकर्म कुछ ऐसे हैं जिनको आप कभी भी मिला सकते हैं, कोई भी आप कार्य कर रहे हैं थोड़ा विकर्म मिला लीजिए, किसी प्रकार का मिला लीजिए, तब आपका जीवन क्या होगा, आनंदमय आपका जीवन होता है। अब आनंदमय का तात्पर्य ये नहीं कि आप टेंशन में नहीं रहेंगे कभी, या कभी आप तनाव में नहीं होंगे, भार पड़ा है तो तनाव में भी होंगे आप, लेकिन आपको पता है कि ये तो ईश्वर करा रहा है मेरे माध्यम से, तनाव तो उसके पास में है, तो आप चिंताग्रस्त ज़्यादा नहीं रहते हैं। आप शेक भी होंगे, मतलब आपको हिलना, मतलब आपको कभी कभी विपत्ति भी आएगी, अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन वो कठिनाइयाँ क्या आपके लिए, आपके लिए वो एक प्रकार से परीक्षा बन जाती है, शुद्धि बन शुद्धिकरण बन जाता है। अगर आपके हाथ में या पैर में अगर कांटा चुभा है ना, तो जा रहे रास्ते में आप जा रहे हैं, अचानक गलती से कांटा चुभ गया लापरवाही से, और वो कांटा आपको दर्द तो कर रहा है क्योंकि अशुभ कर्म किया, पराधर्म किया, तो इसमें विकर्म का तात्पर्य हो गया कि वो कांटे को निकालने के लिए क्या करोगे, आप बड़ा कांटा लाओगे और या सुई लाओगे। जब आप सुई से कांटे को निकालते हो तो क्या आपको दर्द नहीं होता है, आपको दर्द होता है, उसको जबरदस्ती उस दर्द को कराते हो क्योंकि आपने वो कांटा निकालना है जो सकाम कर्म है उसको निकालना है, दर्द को सहन करते हो क्योंकि मुझे ये इससे क्या होगा, कांटा निकालना है। तो विकर्म करते समय भी या उसके बाद जो आप कर्म करते हैं तो उसमें आपको ऐसा नहीं कि शायद कि आपके शरीर को प्रभाव नहीं पड़ेगा, गर्मी नहीं लगेगी, ठंड नहीं लगेगी, या आपका कोई अपमान नहीं करेगा, आपके मन को ठेस नहीं लगेगी, ये सब कुछ होगा, लेकिन आपके भीतर एक प्रेरणा है कि मेरे भीतर ईश्वर है, सब वो करवा रहा है, माँ करवा रही है, मैं तो बालक के समान हूँ और माँ ने गोदी में रखा हुआ है, करने दो माँ को जैसे जैसे करती उससे करने दो, लेकिन अपनी पूरी क्षमता से किसी भी विपत्ति को से छूटने का भी प्रयत्न करेंगे आप। अपनी किसी प्रकार की विपत्ति है, किसी प्रकार की कठिनाई है, कठिनाई आ रही तो ऐसा नहीं कि शायद ठीक है भगवान अपने आप करेगा, विवेक दिया है, अपने विवेक से जिस प्रकार से हो सकता है, शारीरिक दुख है दवाओं से, किसी और चीज से, मानसिक दुख है
उसको ध्यान से या जो भी है उससे आप उसको ठीक